जानता सब कोई है लेकिन कोई छूना नहीं चाहता। इमोशंस इतने गहरे थे तुम्हें भाषा समझने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार है कि मैं किसी फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए जा रहा हूँ, बट देन आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसे टॉपिक पे था जो कि नॉर्मली लोग छूना नहीं चाहते, बात सबको ही करता है, जानता सबको ही है लेकिन कोई छूना नहीं चाहता। तो अपने आप में ये एक बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने महसूस किया। बाकी अगर मैं बात करूँ फिल्म के फील के बारे में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम मैं वहाँ पे बैठा था मूवी सिनेमा हॉल के अंदर, मतलब इट वॉज लाइक कितने मोमेंट्स ऐसे थे कि मेरे रोंटे खड़े हो गए। एंड बिकॉज दिल से बनाई हुई चीज़ थी ना, जो दिल से बनती है ना चीज़, वो दिल को छू ही जाती है आखिर में। मतलब उसका कोई इलाज नहीं है ना, उसको तुम खरीद सकते हो ना तुम उसको अपने आप में डाल सकते हो चाहते हुए। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स की मतलब बिना बोले बिना कुछ कहे मतलब वो दिल को छू गए। बैकग्राउंड को म्यूज़िक जो था इतना कनेक्टेड, जो वर्ड्स थे गाने इतने प्यारे बोल थे कि मतलब वो मतलब हालांकि ओडिया में चल रहा था पूरा गाना, लेकिन यू कुड फील इट। जैसे कि वन ऑफ द जेंटलमैन सेड कि ओडिया नहीं आती थी लेकिन इमोशंस इतने गहरे थे कि तुम्हें भाषा समझने की ज़रूरत नहीं है।